क्लास में आने वाले सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो ना इस प्रश्न को हल करने के लिए? तो चलिए अब हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पे एक से लेकर चार प्रश्न देख सकते हो। अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। फ्रेंड्स यहाँ आपको तीन शब्द दिए हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है धरती, दूसरा है बगिया, तीसरा है सान। तो यहाँ पे जो शब्द है उसके समानार्थी अर्थ आपको लिखने हैं और उसके ऊपर से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है आसमान शब्द का, उदाहरण आसमान, बादल आसमान में छाए हैं। तो आसमान का समानार्थी शब्द दूसरा क्या होगा? तो आकाश। तो अब यहाँ पे दूसरा वाक्य बना है कि बादल आकाश में छाए हैं। तो इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। पहला है धरती, धरती पर हरियाली छा गई। तो धरती का समानार्थी अर्थ होगा पृथ्वी। तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई। तो दूसरा शब्द है बगिया, बगिया का समानार्थी अर्थ होगा बगीचा। तो बगीचे में गुलाब के फूल है, उसका उत्तर यह होगा। तीसरा है शान, तो शान शब्द का समानार्थी अर्थ होगा प्रतिष्ठा। तो उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है कि बच्चे देश की शान है। तो उत्तर में क्या आएगा वो आपको खुद लिखना होगा। तो ये प्रश्न आपको स्वयं लिखना है। प्रश्न नंबर दो, अ, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बात बताई गई है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते ही होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। आपको स्वयं लिखना है कि आप देश की प्रगति तरक्की में क्या ऐसा काम करेंगे। तो ब, सोचिए और लिखिए कि हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। यह सवाल है हम, यानी आपसे पूछा है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना होगा कि मैं देश की सेवा नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा और देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका रक्षण करूंगा, जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक। तो वे सारी जगहों पर स्वच्छता रखेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। तो उसका सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। तो इस प्रकार आपको स्वयं किस प्रकार आप देश की शान को बढ़ाने में मदद करेंगे या फिर आप देश के लिए ऐसा क्या करना चाहते हो काम, वो आपको इसमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। प्रश्न नंबर तीन, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। फ्रेंड्स हमने भाग एक में कविता का राग सुना है और आप लोगों ने भी कविता गाई ही होगी। तो आपको साथ में मिलकर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर में व्यक्तिगत आपको इस कविता का गान करना है। तो ये भी आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर चार, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। देखो यहाँ आपको शब्द के नीचे रेखा यानी कि लाइन दिख रही है ना? तो आपको उस शब्द के ऊपर भार देना है और फिर वाक्य पढ़ना है। जैसे कि पहला वाक्य है, पहला, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। तो इस प्रकार जो शब्द के नीचे रेखा खींची है उसके ऊपर आपको भार देकर वाक्य पढ़ने हैं। तो दूसरा वाक्य है कि अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यह वाक्य भी आपको स्वयं भार देकर पढ़ना है।
तो आपको चारों प्रश्न में समझ आ ही गया होगा। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चार प्रश्न दिए गए हैं और चारों के आपको उत्तर लिखने हैं। हम एक एक करके उसके उत्तर हल करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो चलिए, सवाल नंबर एक, भारत माता की शान कौन है? तो फ्रेंड्स, कौन है भारत माता की शान? कविता में किसको शान बताया है? वेरी गुड, तो भारत माता की शान बच्चे हैं। नंबर दो, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? खुशबू फैलाना किसका काम है दोस्तों? पंक्ति में क्या उत्तर था? तो बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। तीसरा सवाल है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो कैसे बढ़ेंगे हम आगे, वो आपको स्वयं कविता में से ढूंढ कर लिखना होगा। नंबर चार, हमारे देश का भविष्य कौन है? कौन है हमारे देश का भविष्य? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो आपको ये चारों प्रश्न के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। योग्यता विस्तार में पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चित्र है वे मनोरंजन क्षेत्र में यानी कि फिल्म जगत में, खेल जगत में और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो ऐसे यहाँ महानुभाव के आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। उनके आपको पहले नाम लिखने हैं और उनके विषय में माहिती आपको लिखनी है और माहिती आपको प्राप्त करनी है। तो चलिए, हम एक एक करके फोटो आएंगे, उसके नाम सबसे पहले पहचानेंगे और उनके विषय में माहिती प्राप्त करेंगे। पहला चित्र अमिताभ बच्चन जी का है। वे फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमित जी अपने फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मदर तेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इनके अलावा रक्तपित्त के रोगियों के लिए अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर तेरेसा को नोबल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले हैं। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सल्ला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन,
मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल यानी कि हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के वतनी हैं। सुनीता 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस फिजिकल आर्ट्स शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। पीटी उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। पीटी उषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में 1976 में हुआ। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिल्म क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है उनके विषय में माहिती प्राप्त की। आप लोगों को समझ आ गई होगी। इकाई में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तरों से आप लोग माहितगार हुए। नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।